जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज आप लोगों के। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट डेली के दे के आप किस तरह 100 से $300 तक पर डे आप एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे अर्न कर सकते हैं। आज आप लोगों के साथ मैं एक नई स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं, तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की जाने। तो दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अब मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप आप ये पूरा प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना, आपने एक एफिलिएट नेटवर्क चूज करना है, क्योंकि हम एफिलिएट मार्केटिंग करने जा रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि आप एक कंपनी, उसकी प्रोडक्ट या सर्विस है, वो आपको कहता है भाई कि वो कंपनी आपको कहती है कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे अगर आप सेल करके दोगे तो मैं आपको उस पर कमीशन दूंगा। लेट से आप एक कंपनी की एक प्रोडक्ट है, लेट से मोबाइल है, तो अगर वो मोबाइल आप उसको बेच के देते हो तो वो आपको $50 या $100 पर सेल पे देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। उसमें ना तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ना आपने प्रोडक्ट खरीदनी है, ना आपने बनानी है, ना आपने शिप करनी है। आपने जस्ट उसको मार्केट करके ऑडियंस तक पहुंचाना है जो खरीदार है ऑनलाइन। ठीक है, बंदा वो प्रोडक्ट परचेज करेगा आपके लिंक से तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो आपने सबसे पहले एफिलिएट नेटवर्क ज्वाइन करना है। बहुत से एफिलिएट नेटवर्क हैं, जैसे डीजी स्टोर 24 है, इसके अलावा आपके पास क्लिक बैंक है, जेवी जू है, इवन के एमेजोन है। तो आप इनमें से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं एफिलिएट नेटवर्क। तो मैं डीजी स्टोर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से जाके फ्री में साइन अप कर सकते हैं। और जैसे ही आप साइन अप करोगे तो आप साइन अप करने के बाद, ये दोस्तों साइन अप करने के बाद ये मार्केट प्लेस का एक ये ऑप्शन ऊपर नजर आ रहा है, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। तो ये देखिए, लेफ्ट साइड पे आपको बहुत सी कैटेगरी नजर आ रही है। इसमें डिफरेंट तरह की कैटेगरीज हैं, पेट से रिलेटेड हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, फैमिली एंड किड्स, फैशन, फिटनेस एंड हेल्थ, फूड एंड ड्रिंक्स, और इसके अलावा इंटरनेट मार्केटिंग है, होम एंड गार्डनिंग है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप यहां से अपनी सबसे पहले एक स्पेसिफिक कैटेगरी चूज करेंगे कि आप किस टाइप की कैटेगरी की प्रोडक्ट जो है वो उनको प्रमोट करेंगे एज एफिलिएट मार्केटर। सो लेट्स से मैं यहाँ से इंटरनेट मार्केटिंग और ई बिजनेस सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं उसकी कैटेगरीज में के पेज पे आ जाऊंगा। तो यहाँ देखें डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ देखें, आपने वो प्रोडक्ट चूज करनी है जो टॉप पे और जो जो डिमांडिंग प्रोडक्ट हो। जैसे कि ये देखें, ये डीजी स्टोर पे सबसे टॉप की प्रोडक्ट है, ट्यूब मास्टरी एंड मोनेटाइजेशन बाय मैट पार। ये एक यूट्यूब चैनल पे आप कैसे 7 फिगर तक आप अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं, ये उससे रिलेटेड कोर्स है। तो ये अगर आप देखें तो इसकी आप पर अर्निंग सेल देख लें, $213 है, जो बहुत बड़ी अमाउंट है। उसके अलावा इसकी अपनी प्राइस जो है वो $502 है, और इसकी कार्ड कन्वर्जन है वो 3% है। इसके अलावा ये रैंक जो है इसका 3% है। तो इस तरह ये देखें, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, सिंगल पेमेंट भी है और इंस्टॉलमेंट भी है। तो इसका मतलब है कि ये रिकरिंग जो है ना, वो पेमेंट्स पे भी आपको सपोर्ट करता है। तो इसमें आपका ये फायदा है कि आपको रिकरिंग कमीशन भी आ सकता है इसमें। तो लेट्स से मैं इस प्रोडक्ट को पिक करता हूँ, तो ये देखें दो तरह के लिंक्स यहाँ नजर आ रहे हैं। जब आप अकाउंट बना लोगे ना, तो ये देखें ये आपका एफिलिएट लिंक है, देखें प्रोमो लिंक आपका आ रहा है। तो एक सेल्स पेज है और एक एफिलिएट सपोर्ट पेज है। मैं एफिलिएट सपोर्ट पेज पे जाता हूँ, तो ये आपका एफिलिएट सपोर्ट पेज है जहाँ आपका लिंक आ रहा है, इस पे लिंक हुआ हुआ है। और जो बंदा इधर से आएगा, ये देखें ये आपके पास पूरा मटेरियल है इसके अगेंस्ट, ये देख सकते हैं आप, तमाम सोर्सेज आपके पास मौजूद हैं। आप इसको फेसबुक ऐड चला के या ऑर्गेनिकली प्रमोट कर सकते हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो आपका सेल्स पेज है, ये सेल्स पेज आपका आ गया। तो अब हमने यहां से अपनी स्ट्रेटेजी जो है ना, वो मैं आपको आप शेयर करने वाला हूँ। करना आपने ये है ना कि सेल्स पेज ओपन करना है और सबसे पहले ना इस लिंक कॉपी कर लेना है, और फिर आपने इस
वेब पेज को ना आपने पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है। अब आगे में आपकी जो है ना इसमें सबसे बड़ी जो है ना जैसे कहते हैं ना साइंस, वो अब आपको बताऊंगा। ये आपने सेल्स पेज का लिंक कॉपी कर लिया ना, आपको वेबसाइट की जरूरत है। आपने बस ये प्रोसेस फॉलो करते जाने जैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आपने इस लिंक को कॉपी करेंगे और यहाँ जाके आप ये देखिए वेब टू पीडीएफ है .com पे जाएंगे और यहाँ आके वो लिंक पेस्ट कर दोगे और इसको कन्वर्ट कर दोगे, तो ये आपका ना वेब पेज को है ना पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से इसके आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इसका डाउनलोड कर लोगे। तो दोस्तों ये आपकी पीडीएफ जो है वो वेब पेज से पीडीएफ बन चुकी है और ये आपने अपने पास डाउनलोड भी कर ली। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कमाल की टेक्निक है, अगर आप इसको प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये देखें, ये अब आपके पास कंटेंट उनका है लेकिन ये आप अपने पास इसको एज अ पीडीएफ कन्वर्ट कर चुके हैं और अब इससे आगे आप इससे क्या करेंगे वो मैं सारे स्टेप बताने वाला हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो अब ये करना है कि आपने दोबारा से उस सेल पेज पे जाना है। लेकिन सबसे पहले आप इस प्रोडक्ट पे आए थे, आप सेल पेज पे गए। जैसे ही आप सेल पेज पे गए ना तो ये आपका एफिलिएट लिंक इसके साथ एम्बेड हुआ है और ये जब ये आपको जो बटन नजर आ रहा है ज्वाइन टू मास्टर, ये बेसिकली बाय बटन है। जब भी बंदा कोई भी आके ना उस पेज से इधर आएगा और इधर से जब क्लिक करेगा ना तो बाय पेज पे चला जाएगा। तो आपने ना इस लिंक को ना कॉपी कर लेना है, इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ। ये लिंक है, आपने इसको कॉपी कर लेना है और अब अपने एक और टूल देखना है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। जो हमने पीडीएफ क्रिएट की थी ना, अब उस पीडीएफ को हम एडिट करेंगे और जहां ये बटन आ रहे हैं ना ये वाले, उधर जाके हम अपना एफिलिएट लिंक लगा देंगे। अब स्टेप नंबर टू हमारा ये है। तो मैं जाता हूँ इस वेबसाइट पे, यहां से मैं इस एडिट अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। फ्री टूल्स है, ये ऑनलाइन एडिटर है। तो ये देखेंगे हमारे पास पीडीएफ जो भी हमने डाउनलोड की है, इस पे मैं इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ ये ओपन हो गया। अब आपने करना ये है ना, ये जो आपने लिंक अभी यहां से कॉपी किया था ना सेल्स पेज पे जाके, ये वाला इसको अपने पास आप कॉपी करके और जहां जहां बटन है ना उस पर आपने रिप्लेस करने में ना, रिप्लेस कैसे करोगे, ये आपको लिंक नजर आ रहा है ना इस पर क्लिक करोगे और ये कुछ इस तरह हाईलाइट करोगे और यहां जाके ना अपना इस लिंक को पेस्ट कर दोगे। तो देखेंगे आपका एफिलिएट लिंक लग चुका है। नाउ आप जितने यहाँ बटन है ना वहां जाके आपने ना यही लिंक रिप्लेस कर लेना है। यहाँ आपको ना डिफरेंट जगहों पर नजर आएगा, खैर आप अपना देख लेना जहां जहां। मैं यहाँ अभी आपको बता देता हूँ कि और कहाँ कहाँ आ रहा है। ये देखें यहाँ आ रहा है, मैं इसको भी हाईलाइट करता हूँ और ये देखें यहाँ यहाँ भी मैंने इसको कर लिया और एंटर कर लिया। और जब अभी चेंजेस कर लेना तो उसको अप्लाई चेंजेस कर लेंगे। तो ये आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट एडिट हो चुका है। तो दोस्तों हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोबारा से हम इसको डाउनलोड कर लिया। तो दोस्तों अब ये देखिएगा, ये वही पीडीएफ है। देखना अब मैं इस पे ये देखें क्लिक करूंगा ना तो ये मेरी एफिलिएट लिंक पे ले जाएगा। इस तरह आप अपना एफिलिएट लिंक लगा के यूजर को डायरेक्ट करके, रिडायरेक्ट करके और यहाँ से आप सेल्स जनरेट करके बहुत अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। जो अब नेक्स्ट स्टेप है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें तो आपने सारी क्रिएट कर ली है, अब आपने ना ट्रैफिक कैसे लेके आनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब मैं वो आपको बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो आपने ध्यान से देखनी है। तो दोस्तों जो पहला तरीका है ना फ्री ट्रैफिक जनरेट करने का वो है पिंटरेस्ट। आप सबसे पहले अपना पिंटरेस्ट पे फ्री अकाउंट क्रिएट करोगे, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की आपको फ्री ट्रैफिक देता है और मोस्टली यूएस, कनाडा, यूके, यूरोप से आपको बहुत बड़ी ट्रैफिक आती है। अगर आप पिंटरेस्ट पे आप प्रॉपर पिंटरेस्ट को फॉलो करो ना, जिस तरह पिंटरेस्ट पे आप अच्छे से इमेजेस ऐड करो और उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करो और वहाँ अपना लिंक भी ऐड कर दो, तो आपको बहुत बड़ी ट्रैफिक भी आएगी और ट्रैफिक जब आएगी तो आप सेल्स भी कर सकते हो। और मजे की बात है पिंटरेस्ट में कि पिंटरेस्ट जो है ना आप डायरेक्ट एफिलिएट लिंक भी वहाँ लगा सकते हो। बाकी सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या टिकटॉक है, तो वहाँ या ट्विटर है, तो वो आप लोगों को अलाउ नहीं करते कि आप डायरेक्ट जो है वो एफिलिएट लिंक पोस्ट करो, लेकिन यहाँ आप कर सकते हो। तो उसके लिए मैं बहुत इजी तरीका आपको बता देता हूँ। आप कैनवा पे जाओगे और कैनवा में आपको बताता हूँ कि फ्री में विद इन अ मिनट वहाँ रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, वहाँ आप
अपना अच्छा सा पिन, एक पिन पिंटरेस्ट के लिए पिन डिजाइन कर सकते हो। आप कैनवा फ्री साइन अप करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, और यहाँ से आप जाके ना पिंटरेस्ट सर्च करो पिंटरेस्ट पिन, तो देखिए कितने डिजाइन बने बनाए आ गए। आपने अपने डिजाइन, अपना जो टॉपिक है या अपनी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपने ना पिन बनानी है। उसका तरीका ये है कि लेट्स से कि मैं मेक मनी विथ यूट्यूब, तो ये देखें, तो इसमें इस तरह की इमेज जिस तरह ये लोगों ने यहाँ बनाए, मैंने जो आप इनको देख सक देख के ना आप अपना एक इमेज अच्छा सा डिजाइन कर सकते हो। तो मैं पिंटरेस्ट पे, मैं दोबारा कैनवा पे जाता हूँ, और यहां से लेट्स से मैं ये पिक कर लेता हूँ। तो देखिए ये यहां से आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, हाउ टू रीड, या आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, या आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, डिफरेंट अपने इमेजेस या वीडियोस ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन फ्री में, और इसका पेड वर्जन भी अगर वो लेना चाहते हैं तो उसमें और आपके और प्रीमियम लाइब्रेरी इनकी मिल जाएगी कैनवा की, ऑडियो ट्रैक कर सकते हो, वीडियोस है, इसके अलावा आपके पास बैकग्राउंड है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन। जब ये सारा चेंज कर लो ना, तो आप यहाँ शेयर पे आओगे, डाउनलोड पे जाओगे, और ये नीचे डाउनलोड का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे, तो दोस्तों ये कैनवा में आपने अपना देखे पेन कितनी जल्दी बना लिया, विद इन मिनट यहाँ पेन बन जाती है। आप कोई भी आप डिजाइन, कोई भी ग्राफिक्स डिजाइन करना चाहते हैं, बेस्ट टूल है। ये भी आपने कर लिया, पीडीएफ भी आपने एडिट करके डाउनलोड कर ली। तो अब उस पीडीएफ को ना आपने अपनी गूगल ड्राइव पे जाना है, और उसको जाके ना आपने अपलोड कर लेना है एज अ फाइल। और जैसे ही फाइल एज अ फाइल अपलोड करोगे ना, तो ऊपर एक शेयर का बटन, उस पर आप क्लिक करोगे, जो पीडीएफ अभी आपने एडिट किया ना, उसको आपने जाके अपलोड कर देना है गूगल ड्राइव पे, और फिर आपने इधर आना है शेयर के बटन पे, और ये एनी वन विद द लिंक एज अ व्यूअर ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और ये कॉपी लिंक कर लेना है, उसको डन कर देना है। तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, वो गूगल ड्राइव पे अपलोड हो चुका है। तो अब हम पिंटरेस्ट पे दोबारा वापस जाते हैं, मैं पिंटरेस्ट पे आया दोबारा, और यहाँ से आके मैंने क्रिएट पिन किया, और यहाँ से आके मैंने इसको अपलोड कर दिया। देखेंगे पिन जो है ना मेरी अपलोड होगी, या आप कैची सा टाइटल दोगे, लेट्स से हाउ टू मेक मनी विद यूट्यूब, जो भी एक कैची सा टाइटल है वो आप दोगे इस तरह, या डिस्क्रिप्शन भी दोगे अच्छी सी, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, वो आपको ना यहाँ सेल्स पेज से ही आपको मिल जाएगी। एफिलिएट पेज पे जाओगे या सेल्स पेज पे जाओगे ना, तो ये आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल मिल जाएगी, आपने यहाँ से उठाना है और वो यहाँ आके पेस्ट कर देनी है थोड़ा सा चेंज करके। नेक्स्ट स्टेप, आपने जो अभी गूगल ड्राइव पे अपना लिंक कॉपी किया था ना, वो लिंक आके ना आपने यहाँ डेस्टिनेशन लिंक में पेस्ट कर देना है, और दैट्स इट। और यहाँ से आके ना आपने अपना एक बोर्ड क्रिएट करना है, जो भी आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह आप अभी यूट्यूब से, तो यूट्यूब से रिलेटेड एक बोर्ड क्रिएट किया, फिर क्रिएट हुआ तो जस्ट पब्लिश पे क्लिक करेंगे, तो ये आपकी पिन जो है ये पब्लिश हो जाएगी, और ये लिंक भी, तो ये बहुत जल्दी वायरल होती है यहाँ पोस्ट आपकी। अगर आप अच्छी सी इमेज यहाँ अटैच करते हो, अच्छा सा टाइटल देते हो, तो ये बहुत जल्दी वायरल होती है। जब भी आपकी आपके इस पोस्ट पे कोई आएगा और वो इस लिंक पे क्लिक करेगा और ये इस पीडीएफ को ओपन करेगा, जैसे ही पीडीएफ को ओपन करेगा तो वो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा, आपके पीडीएफ को, जब पीडीएफ के डॉक्यूमेंट पढ़ के उस बटन पे, एक्शन बटन पे क्लिक करेगा, तो वो आके वो ये प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। इस तरह आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। उसके अलावा जो दूसरा तरीका है ना, वो आपने कोरा.com पे जाना है, वहाँ अपना फ्री में अकाउंट क्रिएट करना है। वहां भी आपको यूएस और यूके और कनाडा की बहुत बड़ी ट्रैफिक फ्री में मिलने वाली है, तो वहां आपने जाके अकाउंट क्रिएट करना है, और वहां आपने टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक से रिलेटेड प्रोडक्ट करने जा रहे हो ना, प्रमोट यूट्यूब कोर्स, लेट से मैं से रिलेटेड कर, जो मैं अपना कीवर्ड यहाँ लिखूंगा, लेट से मैं लिखता हूँ मेक मनी विथ यूट्यूब, फिर आपने ये क्वेश्चंस पे क्लिक करना है, क्योंकि ये कोरा जो है क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है,
और यहाँ आप लोग बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर उनको जो भी सजेशन चाहिए होती है तो यहाँ से आपने क्वेश्चंस पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने ना मैक्सिमम पास मंथ को सिलेक्ट करना है। तो आपको लेटेस्ट जितने भी क्वेश्चन लोगों ने पोस्ट किए ना, तो अभी देखिए हाउ डू आई मेक मनी विद यूट्यूब इन द बेस्ट वे एवर। देखिए अब ये बेस्ट ऑप्शन है आपके, देखिए ये जून 22 तकरीबन 4-5 दिन पहले की, आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आके एक अच्छा सा आंसर क्रिएट करेंगे। आपने आपके पास जो ये कंटेंट है ना सेल्स पेज का, वो भी यूज कर सकते हो, और साथ थोड़ा सा और ऐड करके एक अच्छा सा 4-5 लाइनों का आपने आंसर देना है। और उस आंसर के दरमियान में ना लेट्स से मैंने ये ना आंसर लिखा, ये आप आपने ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना, देख के लिखना है, और फिर आपने अपने एक एफिलिएट लिंक लगा देना है। जैसे कि मैं ये लगा रहा हूँ 3 डॉट, ये जब ये इस पर मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ मैं दोबारा से अपना जो पीडीएफ का शेयर लिंक है ना, मेरे पीडीएफ का जो शेयर लिंक था, तो मैं यहाँ से अपना वो लिंक मैंने कॉपी किया और मैं कोरा पे दोबारा गया, और यहाँ से मैंने उस लिंक को यहाँ पोस्ट कर दिया, यहाँ से मैंने ऐड कर दिया। तो देखिए हाइपर लिंक बन गया, इसको मैंने बोल्ड भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसको कलरिंग भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ये पब्लिश करूंगा ना, तो ये आंसर जो है ना पब्लिश हो जाएगा कोरा पे, और यहाँ बहुत सारी ट्रैफिक आती है, जो भी यहाँ आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड सर्च करेगा, तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि वो आपके लिंक पे क्लिक करके ये पीडीएफ पढ़ेगा, और उसके बाद वो अगर उसको अट्रैक्ट किया और तो वो ये कोर्स परचेज कर सकता है। तो इस तरह आप अपनी अर्निंग अपनी क्रिएट कर सकते हो यहाँ। तो उसमें आपने करना ये, एक तो कंसिस्टेंसी है, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, और आपने ना थोड़ा सा डिसहार्ट नहीं होना, आपने लगे रहना है काम में। आप मेहनत करते रहोगे ना, तो आप इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपने ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो मैंने बताया, आप ऐसे ही अगर इसको फॉलो करेंगे और ये 1 या 2 दिन में ये चीजें आपके पास अर्निंग नहीं होने वाली, आपने थोड़ा सा अरसा, हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते आपने कंसिस्टेंट इस पे रहना है, और यही जो प्रोसेस है उसी तरीके से आपने फॉलो करना है, तो इनशाला 2-3 वीक्स के अंदर अंदर आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।